साप्ताहिक फल के अनुसार यह सप्ताह वृषभ राशि के उन लोगों के लिए शुभ है जो नई नौकरी ज्वाइन करने जा रहे हैं। वहीं कन्या राशि के युवा जातकों को सतर्क रहना, क्योंकि एक ओर आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी तो दूसरी ओर किसी बात को लेकर अपयश भी फैल सकता है। मेष राशि के लोग इस सप्ताह करियर में अपना दायरा बढ़ाने में सफल रहेंगे। कार्यक्षेत्र में कई कामों की डिमांड अपने हाथों में ले सकते हैं। व्यापारी वर्ग की बात करें तो व्यवसाय में वर्चस्व स्थापित करने में आपको सफलता मिलने वाली है। युवा वर्ग यदि प्रेम प्रसंग में है तो आपकी ओर से रिश्तों में ज्यादा ईमानदारी देखने को मिलेगी। दाम्पत्य जीवन के रिश्तों की डोर कमजोर हो रही है तो उसे संभालने की कोशिश करना शुरू कर दें। सेहत में विशेष रूप से महिलाओं को पैरों में दर्द, जोड़ों में अकड़न जैसी समस्याएं हो सकती है। वृषभ राशि के जिन लोगों की नई नौकरी की ज्वाइनिंग इस सप्ताह के पहले दिन होनी है, उनके लिए ऐसा करना अनुकूल रहेगा। यदि व्यापारी वर्ग निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो उन्हें विदेश में संपत्ति खरीदने के अच्छे मौके प्राप्त हो सकते हैं। ऐसे विद्यार्थी जो आगे की शिक्षा विदेश में करना चाहते हैं, उन्हें इससे जुड़े कुछ अवसर प्राप्त होने की प्रबल संभावना है। जीवन साथी यदि आपकी पढ़ाई या जॉब जारी रखना चाहती है तो परिवार के लोगों का समर्थन मिलेगा। स्वास्थ्य को और ज्यादा अनुकूल बनाए रखने के लिए आपको अपना ध्यान रखना है। मिथुन राशि के लोग न केवल योजना बनाने बल्कि उस योजना पर कार्य करने के लिए भी तैयार हो जाएं। आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह व्यापारी वर्ग के लिए अनुकूल नहीं है, क्योंकि आपके हाथ सौदे तो लगेंगे लेकिन उसमें मुनाफे की जगह नुकसान उठाना पड़ेगा। युवा वर्ग पैसे कमाने में तो कामयाब रहेंगे लेकिन फिजूल खर्च के चलते आपका धन बर्बाद हो सकता है। ग्रहों की स्थिति को देखते हुए पारिवारिक रिश्तों में अवांछित उलझने पैदा हो सकती है, जिसे लेकर आप बहुत ज्यादा तनावग्रस्त नजर आएंगे। स्वास्थ्य में हल्का, पौष्टिक और सुपाच्य भोजन का सेवन करना है, क्योंकि पाचन संबंधी समस्याएं होने की आशंका नजर आ रही है। कर्क राशि। इस राशि के लोगों पर काम का दबाव बढ़ने वाला है, जो कभी कभी आपके नियंत्रण से बाहर भी हो सकता है। बिजनेस पार्टनर का कारोबार में इन्वॉल्वमेंट न होने के कारण आपको उनके हिस्से के कार्य भी करने पड़ सकते हैं। युवा वर्ग अहंकार पर काबू रखे, अन्यथा दोस्ती के रिश्तों में बड़ी दरार खड़ी हो सकती है। साथ ही अन्य रिश्ते भी खटास में पड़ सकते हैं। अपनों के साथ समायोजन की कमी होने से नोकझोंक की स्थिति बनेगी। आशंका है कि लोग आपकी बातों का विरोध करेंगे। सेहत में यदि अक्सर पीठ में दर्द बना रहता है तो योग करना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। सिंह राशि के लोग पदोन्नति और प्रोत्साहन प्राप्त करने में कामयाब हो सकेंगे। व्यापारी वर्ग पिछले कुछ समय से जिस डील के लिए प्रयासरत थे, इस सप्ताह वह सौदे अपने नाम करने में सफल रहेंगे। युवा वर्ग को यदि आत्मसंतुष्टि की अनुभूति करनी है तो आपको समायोजन का सहारा लेना पड़ेगा। संतान की उपलब्धियों से आप गर्व का अनुभव करेंगे तो वहीं संतान भी खुशी से फूले नहीं समाएंगे। सेहत में स्किन इन्फेक्शन जैसे त्वचा में जलन, नमी होने से फंगल इन्फेक्शन तरह की बीमारी होने का खतरा है। कन्या राशि के लोगों में इस सप्ताह संतुष्टि की कमी देखने को मिलेगी, क्योंकि इस दौरान वर्कलोड कुछ अधिक होगा। व्यापारिक वर्ग के लिए यह 7 दिन सामान्य रहेंगे, क्योंकि सभी परिस्थितियों को देखते हुए आप ना तो लाभ की स्थिति में रहेंगे और ना ही हानि की। सप्ताह की शुरुआत में युवा वर्ग को सतर्क रहना है, क्योंकि जहां एक ओर आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी तो दूसरी ओर किसी बात को लेकर अपयश भी फैल सकता है। ग्रहों की स्थिति को देखते हुए धन खर्च हो सकता है। आशंका है कि यह धन संतान के स्वास्थ्य पर खर्च होगा। हेल्थ में ठंड से बचाव करना है, क्योंकि ठंड लगने से खांसी, सर्दी, सिर में दर्द आदि समस्याएं हो सकती है। तुला राशि के लोगों को ऑफिशियल काम करने के चलते पसंदीदा स्थान की यात्रा करने का अवसर मिलेगा। व्यापारी वर्ग यदि व्यावसायिक नीतियों को बदलकर नवीन रणनीतियों को अपनाते हैं तो आपको सफलता मिल सकती है। इस सप्ताह कुछ इस तरह की स्थिति बनेगी जिससे युवा वर्ग को ना तो किसी से मिलना जुलना और ना ही बात करना पसंद आएगा। सुख सुविधाओं की कमी का आभास होने से मन उदास हो सकता है। सेहत की बात करें तो इस सप्ताह कुछ खास दिक्कतें नजर नहीं आ रही है। छोटे मोटे रोग तो होंगे लेकिन वह सही भी हो जाएंगे। वृश्चिक राशि के लोग जो जॉब तलाशने में कार्यरत थे, उन्हें ऐसी जगहों से बुलावा आएगा जिसकी कभी आपने कल्पना भी नहीं की थी। कारोबारी वर्ग इन दिनों पैसा कमाने के साथ साथ धन संचित करने में भी सफल होंगे। जो युवा वर्ग अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना चाहते हैं, उन्हें व्यायाम और अच्छा खान पान रखना है, क्योंकि कोशिशें आपके रूप रंग को निखारने में फायदेमंद साबित होंगी। भाई बहनों के साथ अच्छा संबंध बना रहेगा, साथ ही उनसे मार्गदर्शन और समर्थन
तथा प्यार भी मिलेगा। हेल्थ में ऊर्जा और रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी होने से आप थकान और कमजोरी महसूस कर सकते हैं। धनुराशि के लोगों को विदेशी स्रोतों से धन कमाने के मौके मिल सकते हैं। व्यापारी वर्ग को इस सप्ताह ग्रहों का सपोर्ट तो मिलेगा ही, वहीं पिता का सहयोग भी आपको मुनाफा कराने में आगे रहेगा। युवा वर्ग में विवाद मतभेद करने और दूसरों में कमी निकालने की आदत है, तो समय रहते ही इस आदत में सुधार लाए। इस सप्ताह कुछ ऐसी गुड न्यूज मिलेगी जो पूरे परिवार को आनंदित करेगी। सेहत में आपको दिनचर्या का विशेष रूप से ध्यान रखना है। योग, प्राणायाम, मेडिटेशन आदि चीज करते रहे। मकर राशि। इस राशि के लोगों के मन में करियर को लेकर कुछ असुरक्षा की भावना उत्पन्न हो सकती है, जिस कारण उन्नति के मार्ग भी देर से खुलेंगे। व्यापारी वर्ग यदि काफी समय से भुगतान करने का प्रयास कर रहे थे, तो इस सप्ताह आप ऐसा करने में सफल होंगे। युवा वर्ग अपने प्रेम प्रसंग की बातें किसी समझदार व्यक्ति से साझा करें, उनके मार्गदर्शन से आपके रिश्तों में सुधार आएगा। जीवन साथी के साथ ऐसे नजर आएंगे जैसे आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। सेहत की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए सामान्य रहेगा। छोटी मोटी जो भी बीमारियां थी उनसे भी आप निजात पाएंगे। कुंभ राशि के लोग कुछ विशेष उपलब्धियां हासिल करने में आगे रहेंगे, जिसके द्वारा उनकी उन्नति के द्वार खुलेंगे। सप्ताह के अंतिम दो दिनों में व्यापारी वर्ग के लिए आर्थिक समस्याओं के लिए मारामारी हो सकती है, इसके बाद भी आपको कोई समाधान नहीं मिलेगा। ग्रहों की कुछ ऐसी स्थिति बनेगी जिस कारण युवाओं के मन में कोई किसी के काम नहीं आता है, इस तरह के भाव आ सकते हैं। वैवाहिक जीवन में सुधार का समय है, प्रयास करेंगे तो रिश्ते पुनः पटरी पर आ जाएंगे। सेहत में जो लोग तंबाकू और शराब के लती है, तो इसका तत्काल त्याग करें, क्योंकि बीमारी तेजी से पांव पसार रही है। मीन राशि। इस राशि के लोगों की कामकाज की शैली में भारी परिवर्तन आ सकता है, जिसके लिए मन को पहले से मजबूत कर ले। संतान यदि भागदौड़ संभालने लायक हो तो व्यापार में उसका पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे अनुकूल परिणाम भी प्राप्त होंगे। युवा वर्ग को ऊंचे और खास इंसान से मिलते समय घबराना नहीं है, बल्कि आत्मविश्वास बनाए रखना है। जिन लोगों ने अभी घर शिफ्ट किया है, वह घर के सामान को व्यवस्थित ढंग से लगाने की शुरुआत कर सकते हैं। सेहत को ध्यान में रखते हुए आपको वाहन धीमे चलाना है, क्योंकि वाहन टकराव होने से गंभीर चोट लग सकती है।